हेलो चंद्री जी, तुसे कमाल हो गया, आज आपने मुझे फोन किया, तुसे तो हैरान करता आज। हां जी दसो दसो की गल है। राजवीर जी, वो एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हां जी हां जी बोलो। आप आज शाम को घर आ सकते हैं? मुझे ना एक्चुअली कुछ चीजों में पंजाबी एडवाइस चाहिए थी। हां जी हां जी, एंदे च कड़ी वड्डी गल है जी, आ जाएंगे, लेकिन अजी मेरी एक शर्त है। शर्त क्यों रख रहा है ये चेपू? कहीं मैंने इससे हेल्प मांग के कोई गलती तो नहीं कर दी? कैसी शर्त? वो जी, आंटी ने ना उस दिन वो परवे टिंडे बनाए थे ना जो, हाँ जी स्वाद आ गया था खा के, उनको कहना वही बना के रखेंगी, मैं आके खाऊंगा। बस इतना सा हो जाएगा। ओके जी ओके। एक रात की तो बात है, अब हम लोग सब सहेलियां साथ में पढ़ाई करने वाली हैं। तो 11 बजे तक पढ़ लेना ना बेटा, हम रात को आपको पिकअप करने आएंगे ना, रात भर वहां रुकने की क्या जरूरत है? तू मेरी तरफ बिल्कुल मत देख, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे पर आप लोग समझ नहीं रहे हो, हमें 11 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो हम लोग टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई करेंगे और साथ में सब बैठ के नोट्स भी बनाएंगे। क्या हुआ? अरे देख ना क्या कह रही है, कल्ले कल्ले तो पढ़ती नहीं है, इकट्ठे पढ़ने जाना है सिमरन के घर, पूरी रात भर रह के पढ़ाई करेगी कह रही। तो क्या हुआ माँ, जाने दो ना, पढ़ाई करने तो जा रही है, कौन सा पार्टी करने जा रही है? तूने माँ को बोला ना कि हर एक घंटे में कॉल करेगी? बोला ना। जाने दो ना पापा, इशू अब बड़ी हो गई है और रिस्पॉन्सिबल भी, अब जमाना बदल रहा है तो आप दोनों को भी बदलना चाहिए ना। प्लीज पापा, प्लीज 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 मम्मा, जाने दो ना। चलो ठीक है, लेकिन अपना फोन चार्ज रखना और अपने पास रखना और हर घंटे हमें फोन करना, ओके? मैं क्या जी, तुसे कम क्यों नहीं कर दे कि ये वाले कलर का भी ड्रेस बनाओगे ना, एकदम कैंट लगेगा। तू पॉप मिस्टर राजेश, पुलिस की रेड शुरू हो चुकी है, आप चिंता मत कीजिए। राजेश ऑल सेट? ओके थैंक यू सर, आपने हमें ये न्यूज कवर करने की परमिशन दी। अरे प्लीज, ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी आप लोग देख रहे हैं ना किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, ये 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट होंगे, स्कूल में जाते हैं और ड्रग्स ले रहे हैं खुलेआम। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस के बच्चे, इनके पेरेंट्स के पास इनके लिए टाइम ही नहीं होता होगा, तो परवरिश कैसे होगी? और ये बच्चे भी इसलिए सारी लत पाल लेते हैं, मुझे लगता है इनको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं। एनीवे लेट्स गेट टू वर्क। चले आ, खड़ा हो, इसको क्या हुआ? थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। ये सब हरकतें करोगी तो तबीयत तो खराब ही होगी ना। Look at this place, Rajesh. इतने छोटे छोटे बच्चे, मुझे इतना बुरा लग रहा है इनके लिए। I mean, अगर इन्हें कोई समझाने वाला होता तो शायद ये सब ऐसी हरकतें ही नहीं करते। Just, oh God, I think ये बच्चे अपने घरों से इतने इग्नोर्ड होते हैं कि इतने इनसिक्योर, इतने अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। चलो साथ बोलो। चलो चलो सब लोग इधर लाइन लगावा के, अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम, अपना फोन नंबर लिखावा के। नर्द हो गया भौजी, नर्द हो गया, अरे नाक कट गई अपनी, इज्जत का मंडा दर हो गया। क्या हुआ गुलाब, ने कुछ किया क्या? हाय हाय, चुप चुप बोलो, हमरा गुलाब तो हीरा है, हीरा लाखों में एक। फिर क्या बात है भूदेवी? देख लो, यहाँ तो हमारा रो रो के बुरा हाल है, और जिन पर बीती है वो पूछ रहा है कि हुआ क्या, और एक कलंक लग गया आपके घर को भौजी।
रास्ता बताओ भूदेवी। अरे बोलो ना। हाय हाय, हम अपने मुंह से बोलेंगे तो हमारी जबान जल नहीं जाएगी। अब खुद ही देख लो, ये देखो, रईस जादों की रेव पार्टी में पकड़े गए बड़े बड़े खानदानों की बिगड़ी हुई औलादें, नाबालिग बच्चों ने पी शराब, लिए ड्रग। पुलिस के मुताबिक इस रेव पार्टी को रंगीन बनाने के लिए दुबई और बॉलीवुड के डीजे बुलाए गए। सभी पकड़े गए लड़के लड़कियां हाई प्रोफाइल परिवारों से संबंध रखते हैं। इन सभी को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।